टॉप 600 फिक्स्ड प्रपोजिशन पार्ट 7। इसके पहले 1 से 6 तक की क्लासेज आपने जरूर देखी होगी, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि ये पूरा सीरीज बहुत बढ़िया चल रहा है और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का वर्ड है हमारा कंप्लेन टू समबडी। कंप्लेन टू समबडी, और कंप्लेन एक ऐसा वर्ब है जो कि अलग अलग प्रपोजिशन लेता है। समझिएगा, ये वर्ब की V1 फॉर्म है, तो इसका आप V2 और V3 भी याद रखिएगा। ये V1 है तो आप इसका V2 और V3 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना। यहां पर कंप्लेंट हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया है और यही आपका थर्ड फॉर्म भी होता है। चलिए, तो इसका होता है टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन टू समवन, यानी किसी से शिकायत करना, किसी इंसान से शिकायत करना। तो आप कंप्लेन के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे? टू। ही कंप्लेन टू द मैनेजर अबाउट द पुअर सर्विस, उसने खराब सेवा के बारे में प्रबंधक से शिकायत की। पॉइंट समझ में आया कि जब आप किसी से शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते। कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, अब हम कह रहे हैं कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ शिकायत करना। अब यहां पर है कि किसी के खिलाफ कर रहे तो अगेंस्ट लगाएंगे। यहां पर एक नया वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, कंप्लेंट। तो कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या अंतर है? कंप्लेन क्या है? आपका वर्ब। कंप्लेंट क्या होता है? आपका नाउन। सब कलर हमने यूज कर लिया इसमें, सो आई विल यूज पिंक कलर। चलिए, तो ये समझ में आ गया, कंप्लेंट हमारा नाउन होता है। जब किसी के खिलाफ शिकायत करिएगा तो कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगाइएगा। She complained against her neighbor for making noise. उसने शोर करने के लिए अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। Next है complain of or about something to express dissatisfaction about something, यानी किसी चीज के बारे में शिकायत करना। तो ध्यान रखिएगा, complain to, complain against और complain of या about। तो to होगा किसी से शिकायत करना, अगेंस्ट होगा किसी के खिलाफ शिकायत करना, और जब किसी चीज की शिकायत करेंगे तो ऑफ या अबाउट लगाएंगे। ही कंप्लेंड अबाउट द ब्रोकन एयर कंडीशनर, उसने टूटे हुए एयर कंडीशनर के बारे में शिकायत किया। तो आई होप कंप्लेन के साथ तीनों वर्ब आपने याद कर लिया। नेक्स्ट है कंसील फ्रॉम समबडी, टू हाइड समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कुछ छुपाना। शी कंसील्ड द ट्रूथ फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से सच्चाई छुपाई। तो यहां पर हमने कंसील्ड का अगेन कौन सा वर्ब यूज किया है? V2 यूज किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कंकर विद अ पर्सन, कंकर विद अ पर्सन, टू एग्री विद समवन, किसी से सहमत होना। देखिए, अब हम किसी से सहमत होते तो हम एग्री वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, कोई भी तकलीफ होता है हम एग्री वर्ड यूज कर देते हैं। तो एक आपको नया सिनोनिम्स मिल गया कि अग्री ना यूज करके आप क्या यूज कर सकते हैं, कंकर यूज कर सकते हैं। I concur with your opinion on this matter. मैं इस मामले में आपकी राय से सहमत हूं। Next, congratulate somebody on something. देखिएगा, ये on preposition लेता है और इसमें हम बड़ा confuse होते हैं, कभी कभी गलत लिख देते हैं। Facebook वगैरह पे बहुत उल्टा पुल्टा सा आप लोग comment लिखते हैं, तो अगर आप सीखेंगे तो बेहतर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। So, वीडियो को Facebook पर भी शेयर कर दिया कीजिए, जो दोस्त वहां पर है आपके वहां से सीख लेंगे। To express good wishes to someone for a specific achievement, किसी को किसी चीज के लिए बधाई देना। He congratulated her on promotion. तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि object बीच में आएगा, फिर पहले object आएगा, फिर preposition आएगा, फिर जिस चीज के लिए दे रहे हैं वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर देखिए subject हो गया ये verb, और जिसको दे रहे हैं वो हर यहां पर आ गया आपका, और फिर आया कि किस चीज के लिए दे रहे हैं, तो वो on के बाद जाएगा, ठीक है। ऑन के पहले आएगा कौन, सॉरी ज्यादा दूर चला गया, ऑन के पहले कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑन के बाद कौन आएगा? जिस चीज के लिए आप दे रहे हैं, ठीक है। उसने उसे पदोन्नति पर बधाई दी। चलिए, कंसिस्ट ऑफ एंड कंसिस्ट इन। कंसिस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू बी मेड अप ऑफ समथिंग, किसी चीज से बना होना। यानी जब किसी चीज से बना होगा तो आप क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। ये वाला प्रपोजिशन आपने मेड ऑफ वाले में भी सीखा होगा कि किसी चीज से बना होना, तो आप मेड ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। तो सेम यहां पर है कंसिस्ट ऑफ। चलिए, द टीम कंसिस्ट ऑफ 5 प्लेयर्स, टीम में 5 खिलाड़ी शामिल हैं, या यह टीम 5 खिलाड़ियों से बना हुआ है।
अब कंसिस्ट इन का मतलब क्या होता है, टू हैव द मेन और एसेंशियल पार्ट इन समथिंग, किसी चीज में निहित होना, मतलब किसी चीज में समाहित होना, इस चीज में मौजूद होना। जैसे है कि ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट इन हेल्पिंग अदर्स, सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में निहित है। लेकिन आजकल लोग पैसों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, उनका जीवन पता है लास्ट में क्या होता है, जो ज्यादा पैसों को वैल्यू देते हैं ना, वो लास्ट में पैसे की वजह से उनका जो भी होता है, ठीक है, डिक्लाइन जो होता है ना, वो पैसे की वजह से होता है। कभी भी पैसे की वैल्यू दीजिए, बट ह्यूमैनिटी से ज्यादा वैल्यू मत दीजिए, ठीक है। पैसे हैं, सही बात है, पैसे होते हैं, पैसे जरूरी हैं, बट ह्यूमैनिटी से ज्यादा नहीं, मानवता से ज्यादा बड़ा पैसा नहीं हो सकता है। चलिए, कोप विद, देखिए इसके साथ एरर दिया जाता है, कोप अप विद, कोप अप विद, और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सो हमें ये गलती कहीं दिखाई नहीं देता, ध्यान रखिएगा आप नहीं लगाएंगे, सिंपली लिखेंगे कोप विद, हिंदी में निपटना कहते हैं। टू डील इफेक्टिवली विद समथिंग डिफिकल्ट, किसी मुश्किल चीज का सामना करना या उससे निपटना। शी इज ट्राइंग टू कोप विद द लॉस ऑफ हर जॉब, वह अपनी नौकरी के नुकसान का सामना करने की कोशिश कर रही है। तो ध्यान रखेंगे कि कोप के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, विद आएगा, और इसके साथ अप नहीं आएगा। नेक्स्ट है काउंट ऑन समबडी और समथिंग, काउंट ऑन, काउंट के साथ क्या आएगा, ऑन, टू रिलाई ऑन। तो देखिए एक इधर भी प्रीपोजिशन यूज हो गया है, रिलाई ऑन, ये दोनों का मतलब होता है किसी चीज पर भरोसा करना या निर्भर होना। समवन और समथिंग, किसी पर या किसी चीज पर भरोसा करना। यू कैन काउंट ऑन मी टू हेल्प यू, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा, यानी हेल्प के लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। एंड जनरली आई डू हेल्प, मैं तो सबकी मदद करता हूं, मेरे साथ अलग है, बहुत बुरा होता है हमेशा, बट मैं बहुतों के साथ अच्छा करता हूं, ठीक है। चलिए, क्यों अ मैन ऑफ डिजीज, टू हील समवन फ्रॉम अ डिजीज, किसी व्यक्ति को बीमारी से ठीक करना, उसके लिए हम यूज करेंगे क्योर, फिर लगाएंगे जिसको ठीक कर रहे, फिर लगाएंगे ऑफ, और फिर लगाएंगे जिस बीमारी से आप उनको ठीक कर रहे हैं। द डॉक्टर क्योर्ड हिम ऑफ हिज इलनेस, अब देखिएगा क्योर्ड के बाद क्या आया, हिम, जिसको किया गया, ऑफ आया प्रीपोजिशन, और फिर आया उसकी बीमारी, तो डॉक्टर ने उसे उसकी बीमारी से ठीक कर दिया। चलिए, कट इंटू पीसेस, कट इंटू पीसेस, टू डिवाइड समथिंग इंटू स्मॉलर पार्ट, टुकड़ों में काटना। ध्यान रखिएगा कट के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज होता है, लेकिन जब आप पीसेज में काट कट करने की बात कर रहे हैं, एक टुकड़े में अलग अलग करने की बात कर रहे हैं, तो इनटू प्रीपोजिशन आएगा। शी कट द एप्पल इनटू पीसेज, उसने सेब को टुकड़ों में काटा, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है डैश अगेंस्ट समथिंग, टू स्ट्राइक फोर्सफुली अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज से टकराना, यानी जोरदार टक्कर जो होता है डैश अगेंस्ट। द वेव डैश्ड अगेंस्ट द रॉक, लहरें चट्टानों से टकराई। आप कभी कोलिजन हो जाता कभी दो गाड़ियों के बीच में, तो वहां पर भी होता है, या आप चलते चलते किसी से टक्कर लग जाता है, तो भी आप वहां पर डैश अगेंस्ट का यूज करते हैं। फिर है डैश ओवर, डैश ओवर का मतलब होता है टू मूव क्विकली ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर से तेजी से गुजरना, यानी ऊपर से तेजी से गुजरना। ही डैश्ड ओवर द फेंस टू कैच द बॉल, वह गेंद को पकड़ने के लिए बाड़ के ऊपर से तेजी से गुजरा। यानी अब देखिएगा, ध्यान यही रखना है कि जैसे कुछ पॉइंट है, जैसे ये वाली पॉइंट है, अब इसके ऊपर से जा रहा है तो डैश ओवर होगा, ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे टक्कर हो रहा है तो डैश अगेंस्ट होगा। तो यहां पर आएगा ओवर और यहां पर आएगा अगेंस्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डैश अगेंस्ट होगा ये वाला, और जब आप ऊपर से कर रहे हैं तो दैट इज डैश ओवर। वह गेंद पकड़ने के लिए बाढ़ के ऊपर से तेजी से गुजरा। नेक्स्ट आते हैं डेवर फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू एक्सक्लूड और प्रोहिबिट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी किसी को कुछ करने से रोकना या मना करना। ही वॉज डेवर फ्रॉम एंटरिंग द कॉम्पिटिशन, उसे प्रतियोगिता में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल न्यू वर्ड होगा शायद आपके लिए, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से याद करिएगा, डेवर फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। हम प्रिवेंट यूज करते, बहुत बार यूज करते वर्ड प्रिवेंट, ठीक है, पर आपके लिए मैं नया वर्ड लेके आया डेवर। चलिए नेक्स्ट है डिफर टू, टू सबमिट टू द ओपिनियन और विशेज ऑफ समवन एल्स, किसी के इच्छा के अनुसार काम करना, इसको आप कहते हैं डिफर टू। आई डिफर टू योर जजमेंट इन दिस मैटर, इस मामले में मैं आपके निर्णय के अनुसार काम करूंगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है डिफ्रॉड। फ्रॉड वर्ड आपने सुना होगा, आज हमने इसको वर्ब बना दिया डिफ्रॉड। डिफ्रॉड अ पर्सन ऑफ समथिंग, टू चीट समवन आउट ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज से धोखा देना, मतलब चीट तो कर रहे लेकिन वो बताने की कोशिश कर रहे कि किस चीज को लेकर के हमने आपको चीट किया है। ही डिफ्रॉड द कंपनी ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कि उसने पैसे वहां पर धोखाधड़ी करी। कंपनी को कैसे धोखाधड़ी करा, उसने खूब सारे पैसे वहां से निकाल लिए होंगे या चीट चोरी कर लिए होंगे। दैट इज कॉल्ड ही डिफ्रॉडेड द कंपनी ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी, उसने कंपनी से बड़ी रकम की धोखाधड़ी की। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन, बहुत कॉमन प्रेपोजिशन यूज होता है, कॉमन वर्ड है, आप ये कह सकते हैं। टू रिलाई ऑन समवन फॉर सपोर्ट, किसी पर निर्भर होना सपोर्ट के लिए, ठीक है। लाइक चिल्ड्रेन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर केयर, बच्चे देखभाल के लिए अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, और यही बच्चे बड़े हो जाने पर अपने मम्मी पापा को खुद पर निर्भर नहीं होने देते। एम आई राइट और रॉन्ग, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरा ये जनरल थॉट है, ठीक है, स्पेशली नहीं कि सर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मेरे भैया ने ऐसा नहीं किया, ये नहीं, एक जनरल थॉट है कि हम मम्मी पापा पे डिपेंड तो हो जाते हैं, लेकिन कभी मम्मी पापा की जब जरूरत होती है कि हम पे डिपेंड हो, तो हम तो कहते नहीं भैया हम मम्मी को रखेंगे पापा को नहीं रखेंगे, ठीक है। डिजिस्ट फ्रॉम एन अटेम्प्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, जब आप बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, आप कोशिश करने का मन नहीं करता है, ठीक है, तो किसी भी प्रकार के जो लाइक ट्राई है, प्रयास है, उसको रोक देना इज कॉल्ड डिजिस्ट फ्रॉम एन अटेम्प्ट। ही डिजिस्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी फर्दर अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट हर, उसने उससे संपर्क करने के किसी और प्रयास से रुक जाने का फैसला किया, यानी आगे उसको वो कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये भी मे बी आपके लिए नया टर्म होगा। चलिए आगे बढ़ते, डेस्पेर ऑफ सक्सेस, टू लूज होप ऑफ अचीविंग सक्सेस, सफलता की उम्मीद खो देना, दैट इज कॉल्ड डेस्पेर ऑफ सक्सेस। ही डेस्पेर ऑफ एवर फाइंडिंग अ जॉब, उसने कभी नौकरी मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फाइनली उसे मिला, ठीक है, या उसने अपना अच्छा सा बिजनेस स्टार्टअप किया। पॉइंट समझ में आया, तो डेस्पेर ऑफ का मतलब हो गया कि उम्मीद छोड़ देना, किसी चीज की उम्मीद छोड़ देना, ज्यादातर खास करके सक्सेस को लेकर के। नेक्स्ट, डिफर विद या डिफर फ्रॉम, टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन देन समवन, किसी से असहमत होना या किसी से लाइक सहमति नहीं होना। ही डिफर्ड विद हिज कॉलीग ऑन द इशू, वह इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों से असहमत था। तो देखिए अब कितने सारे वर्ड्स आपके पास आते जाएंगे, अगर इसको आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, एक लिस्ट बनाना शुरू करिए, अदरवाइज ये पीडीएफ मैं अपने वेबसाइट पे डाल देता हूं, तो उस वेबसाइट पे जाकर के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और वेबसाइट का नाम बता देता हूं, फिर कहेंगे सर वेबसाइट कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, अदरवाइज आप यहां देख लीजिए englishtak.com, आप सिंपली इंग्लिश तक गूगल में लिखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, ये एक एडजेक्टिव है, अभी तक सारे वर्ब्स थे, ये एक एडजेक्टिव है। नॉट द सेम एज समथिंग, किसी चीज से अलग, कहते हैं ना डिफरेंट फ्रॉम दैट। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द वन आई रीड बिफोर, जो मैंने पहले पढ़ी थी, ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन में थोड़ा सा आप हैड लगा दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा सेंस बन पाएगा। यह किताब उस किताब से अलग है जो मैंने पहले पढ़ी थी। डिग्रेस फ्रॉम द पाथ, ये भी बहुत अच्छा है, रास्ते से भटक जाना, टू डेविएट और वेंडर अवे फ्रॉम द मेन पाथ, जो आपका मेन पाथ है उससे भटक जाना। ही डिसग्रेस्ड फ्रॉम द पाथ एंड गॉट लॉस्ट, वह रास्ते से भटक गया और खो गया। डिसएग्री विद समबडी, सिंपल सा आ गया आपका पॉइंट, डिसएग्री विद समबडी, टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम समवन, किसी से असहमति होना। शी डिसएग्रीज विद हर फ्रेंड ऑन मेनी इश्यूज, वह कई मुद्दों पर अपने दोस्त से असहमत है। आई होप कि ये 25 फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आपके लिस्ट में ऐड हो गया, एंड ये सेवेंथ पार्ट है, तो इमेजिन कीजिए कि आप 100 से ज्यादा, 150 के आसपास आपने फिक्स्ड प्रेपोजिशन कर लिए, हमने 600 करना है, हमने लगभग 150 के आसपास हमने कर लिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को पहली बार अब चैनल पे आए हैं, हमारे वीडियोस आपको पहली बार दिखा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये आप ही की फैमिली है, बड़े होंगे बड़े बड़े चीज आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद।